का हमारा ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भोजपुरिया स्टार्स किसी बॉलीवुड स्टार से कमाई के मामले में कम नहीं है, इनकी भी शान और शौकत उनसे कम नहीं है। आप जब ये हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या ये भोजपुरिया स्टार्स, जिनकी फिल्में बड़े ही छोटे बजट की होती है, ये इतने अमीर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको बताते हैं कि इस वीडियो में पांचवे नंबर पे है खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव कमाई के मामले में पांचवे नंबर पर है, क्योंकि इनका करियर ही भोजपुरी इंडस्ट्री में 2011 से स्टार्ट हुआ है। उसके पहले वो छोटे मोटे स्टेज शो किया करते थे, एल्बम्स किया करते थे, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें दरकार थी। भाई ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ कब किसी का सितारा कब चमक जाए किसी को पता नहीं चलता है। तो उसी तरह खेसारी लाल यादव का भी सितारा 2011 में चमका और तब से लेकर अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कितने संपत्ति के मालिक हैं। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से लेकर ये 120 करोड़ के मालिक हैं, जिसमें इनकी कारें हैं, इनका स्टूडियो है, इनका घर है, यहाँ तक कि मुंबई से लेकर बिहार तक के कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें खेसारी लाल यादव खरीद चुके हैं। खेसारी लाल यादव ने बड़े कम ही समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना रुतबा बनाया है। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है और बहुत तेजी से ये अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के पास महंगी कारों का काफिला है, यहां तक कि महंगी महंगी बाइकों का भी शौक खेसारी लाल यादव रखते हैं। आपने कई बार खेसारी लाल यादव को महंगी गाड़ियों और महंगी बाइकों का यूज करते देखा होगा। कई फ्लैट और मुंबई के मीरा रोड के पॉश इलाके में एक बेहतरीन और शानदार बंगला भी है। और अब आते हैं भाई चौथे स्टार्स के पास, जो है पावर स्टार, जिन्हें कहा जाता है भोजपुरी का सलमान खान, और जिनके लिए भाई धड़कता है भोजपुरी की लाखों लड़कियों का दिल। तो खैर आपको पता चल गया होगा कि ही इज नन अदर देन पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह का करियर खेसारी लाल यादव से पहले स्टार्ट हुआ है, तो वो खेसारी लाल यादव से अमीर तो होंगे ही। आपको बता दें, इनके रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भोजपुरी में सबसे पहली लग्जरी कार रखने वाले पवन सिंह ही हैं। भोजपुरी के इस सुपरस्टार के पास महंगी महंगी कारें हैं, साथ ही प्रॉपर्टी के मामले में ये किसी से कम नहीं है। इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। मुंबई के पॉश इलाकों में इनकी कई घर हैं और बताया जाता है कि बिहार के आरा में भी इनका शानदार घर है, और बैंक बैलेंस के मामले में भी ये भोजपुरी के सभी स्टार्स को टक्कर देते हैं। इनकी कुल कमाई की बात करें, इनकी कुल प्रॉपर्टी की आंकड़ों की बात करें, तो कहा जाता है 150 करोड़ के मालिक हैं पवन सिंह। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भोजपुरिया स्टार्स यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की। तो भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ बॉलीवुड के किसी भी स्टार को टक्कर दे सकते हैं रईसी के मामले में। इनकी रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समय सभी भोजपुरिया स्टार्स में ये सबसे अमीर है। हमारे पायदान पे भले ही तीसरे स्थान पर है, लेकिन पवन और खेसारी को इन्होंने काफी पीछे छोड़ा है। आपको बता दें कि इनकी प्रोडक्शन हाउस कंपनी भी है, और इनकी सारी प्रॉपर्टी अगर मिला दी जाए तो कम से कम 200 करोड़ रुपए के मालिक हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, इनका अंधेरी में बड़े ही पॉश इलाके में घर है, साथ ही साथ इनका पुस्तैनी गाँव है, वहाँ पर भी इनका एक महलनुमा घर है, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, भोजपुरिया सुपरस्टार का अगर घर हो तो ऐसा होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार यानी कि हमारे दूसरे पायदान पे है रवि किशन। जी हाँ, रवि किशन इसलिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री से पहले वो बॉलीवुड में काम किया करते थे, बॉलीवुड के बाद वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, भोजपुरी की इंडस्ट्री के बाद अब वो साउथ में अपना पंचम लहरा रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से पहले भी उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। भोजपुरी इंडस्ट्री को नया जीवन दान देने में रवि किशन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इनकी बात की जाए तो पहले से करियर स्टार्ट करने और वेल एस्टेब्लिश होने के कारण इन्हें ये फायदा मिला है। लगभग इनकी प्रॉपर्टी 250 करोड़ की बताई जाती है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये 250 करोड़ के मालिक है। भले ही आजकल ये भोजपुरी फिल्में कम करते हैं, लेकिन साउथ के साथ साथ ये हिंदी फिल्मों में भी अपना रुतबा जमा रहे हैं, और अब ये भाजपा के भी कार्यकर्ता है। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि भोजपुरी के इस स्टार के पास कितना धन होगा।
अब चलते हैं अपने पहले पायदान पर और जानते हैं कि यहाँ कौन विराजमान है। यहाँ कोई और नहीं, मनोज तिवारी का राज है। जी हाँ, भले ही मनोज तिवारी एक साधारण परिवार से थे, लेकिन इन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए पहला पायदान इसलिए हासिल किया है कि इनकी पॉपुलरिटी इन सारे स्टार से कहीं ज्यादा है। आज मनोज तिवारी को लेकर एक बात कॉमन है, आज भी खेसारी, पवन, निरहुआ, रवि किशन सभी के फैंस मनोज तिवारी को बहुत पसंद करते हैं, उनके गानों को बहुत पसंद करते हैं। और मनोज तिवारी का एक दौर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। भोजपुरी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो मनोज तिवारी के कंधों पर ही है। और मनोज तिवारी ने कई भोजपुरी फिल्में की हैं जो कई सुपर डुपर हिट रही हैं। भले ही अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन इनका दबदबा आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में है। भाजपा के दिल्ली प्रमुख है और प्रॉपर्टी के मामले में ये सभी से आगे हैं। जी हाँ, भले ही आज ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ना हो तो क्या से, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में आज भी ये सबसे अव्वल है। इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो लगभग 300 करोड़ का आंकड़ा बताया जाता है। जी हाँ, इनके बैंक बैलेंस से लेकर इनके घर, कारों, इन सब को जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 300 करोड़ रुपए के मालिक हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये भोजपुरी के हर दिल अजीज एक्टर जो है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।